वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं खमन ढोकला की एक और रेसिपी शेयर करूंगी, टमटम खमन। ये गुजरात के सूरत की एक फेमस स्नैक्स रेसिपी है। इस खमन को बनाने के लिए मैंने बैटर को फर्मेंट नहीं किया है, तो ये खमन बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। टमटम खमन बनाने के लिए मैंने 2 कप चना दाल का दरदरा आटा लिया है। अब इसमें 1/2 कप दही ऐड करेंगे। इसे थोड़ा मिक्स कर लें। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। इसमें कोई गांठे या लम्स ना रहे, इसका ध्यान रखना है, तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर तैयार किया है। तो अब ये बैटर तैयार है। इस बैटर को हम 1 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। 1 घंटे के बाद अब ये बैटर थोड़ा थीक हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके फिर से इसे मिक्स करेंगे। नमक ऐड करेंगे, फिर से इसे मिक्स कर लें। अब इसमें 1/2 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। तो अब ये बैटर तैयार हो गया है। ये बैटर ज़्यादा थिक या ज़्यादा पतला नहीं है। अब इसमें 1/2 टीस्पून कुकिंग सोडा ऐड करके इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो अब ये बैटर तैयार है। मैंने 1 प्लेट में ऑयल लगा दिया है। प्लेट की जो साइड है इसमें भी हम ऑयल अच्छे से लगाएंगे। अब इसमें बैटर डाल देंगे। मैंने स्टीमर को ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है। प्लेट को हम स्टीमर में पानी गर्म होने के बाद ही रखेंगे। अब एक प्लेट को कॉटन के कपड़े से कवर करके इसके ऊपर ढक देंगे और इसे हम 20 मिनट के लिए गैस की हाई फ्लेम पर इसे स्टीम करेंगे। 20 मिनट के बाद अब ये खमन हो गए हैं। एक नाइफ से हम इसे चेक करेंगे। अगर नाइफ क्लीन निकलता है तो ये खमन तैयार है। अब हम इसे ठंडा करेंगे, बाद में ही इसको कट करेंगे। 1/2 आवर के बाद अब ये खमन ठंडे हो गए हैं। तो पहले हम इसे साइड में से और फिर इसे स्क्वायर में कट करेंगे। अगर खमन ठंडे हैं तो ही इसके अच्छे से पीस बनेंगे। आप देख सकते हैं ये खमन कितने स्पॉन्जी बने हैं। मैंने सारे खमन बना लिए हैं। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। एक पैन में 1/4 कप ऑयल, 1/2 टीस्पून राई ऐड करेंगे। राई हो जाने के बाद गैस की फ्लेम बंद करेंगे। गैस की फ्लेम बंद करके ही हम उसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही खमन ऐड करेंगे और इसे जल्दी से मिक्स करेंगे। अगर लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा स्पाइसी है तो इसमें कम ऐड करें। मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है। हम इसे ऐसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। फिर से इसे थोड़ा मिक्स कर लें। तो अब ये खमन तैयार है। थोड़ा सा हरा धनिया और ड्राई कोकोनट पाउडर इसमें स्प्रिंकल करेंगे। तो ये टमटम खमन तैयार है।